टू शेक्स किचन गार्डन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कोलकाता का फेमस स्वीट डिश लांचा। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पाउडर्ड दूध लिया है, ठीक है। पाउडर्ड मिल्क हम ले लेंगे, करीब 250 ml लिया है हमने। 250 ml का कप है, हमको इसको छान लेना है। हमने दूध ले लिया है थोड़ा सा। अंडा ले लेंगे, अंडा लेना ऑप्शनल है। अगर आप वेज चाहें तो आप बिना अंडे के कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेज है आप अंडा डालिए। अंडे से बहुत सॉफ्ट होता है हमारा लांचा। हमने 1 चम्मच अलग से शक्कर ले लिया है, 3 पाव शक्कर लिया है हमारी चाशनी के लिए, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर है, हमने 1/2 चम्मच करीब लिया है ये। इलायची पाउडर, गुलाब जल, घी, 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लिए हैं, और ये हमारा 125 ml मैदा है, ठीक है। हमें ये सब लगेगा सबसे पहले। अब हम पाउडर्ड मिल्क को लेके छान लेंगे, ठीक है। देखिए हमने हमारा दूध पाउडर छान लिया है, अब हम कॉर्नफ्लावर छान लेंगे, मैदा, ठीक है, और हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। हम सबको इसीलिए छानेंगे ताकि इसमें कुछ भी हमारा ऐसे गटली टाइप का ना रहे, ठीक है। देखिए कैसा इसमें है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें एकदम महीन चाहिए हमारा, ठीक है, ताकि हमारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने लांचा का डो। अब हम इसमें डालेंगे घी, एक चम्मच हमने घी डाला इसमें, जो शक्कर हमने 1 चम्मच रखा था अलग से वो डाल दिए। अब पहले हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है, हाथ से। ये देखिए हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है, ठीक है। आपको जितना इलायची का स्वाद पसंद है आप उतना डालिए, नहीं भी चाहे इलायची का पाउडर नहीं डालें, ठीक है। किसी किसी को इलायची का टेस्ट पसंद नहीं होता। अब हम इसमें अंडा ऐड किए हैं, ठीक है। और इसको अब हम मिलाएंगे, देखिए हमने काफ़ी मिलाया है इसको, और दूध से ही हमको इसको गूंथना है। हमने प्योर दूध लिया है, ठीक है, उसी से हम इसको गूंथेंगे। बहुत ही सुंदर सी खुशबू आ रही है एक मिल्क पाउडर की, और ये सब के साथ जैसे कि वो मिल्की बार मेल्ट हो रहा हो, वैसी सुंदर सी खुशबू आ रही है। हम दूध से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गूंथ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा डो का हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे आपने देखा, ठीक है। देखिए किस तरीके से है ये, ठीक है, हमारा कंसिस्टेंसी हमको ऐसा चाहिए। आप ये सोचेंगे कि इसमें बाप रे लांचा हम कैसे शेप करेंगे, नहीं, ये थोड़ी देर हम स्टे पे छोड़ते हैं ना तो ये थोड़ा टाइट होने लगता है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसका टुकड़ा लेके शेप करेंगे। इसको हम 10-15 मिनट के लिए स्टे पे छोड़ दे रहे हैं तो ये टाइट हो जाएगा। जब तक हमने इसे स्टे पे रखा है, यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने हमारा शक्कर डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। तो देखिए अब हम चाशनी बना दे रहे हैं। हमने 250 ml का कप लिया था, उससे हमने 3 कप शक्कर लिया है और 4 कप पानी लिया है, इसका हम चाशनी बनाने रख दिए हैं, ठीक है। देखिए हमारी चाशनी तैयार है, ठीक है। इसमें अब हम थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं ताकि इसमें जो भी मैला रहे वो कट जाए और ऊपर एकदम आ जाता है इसकी सतह पर, तो फिर हम उसे चम्मच से साफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा खोलने देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए हमने 15 मिनट के लिए हमारे लांचा के बैटर को रख लिया था, ठीक है। ये काफ़ी कड़क हो गया है। अब हमने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है, ठीक है, और इसे हम उठाएंगे ऐसे। घी लगाने से स्टिक नहीं होगा हमारे हाथ में,
पहले थोड़ा सा गोल करेंगे और उसके बाद लंबा करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा इसको मोटा मोटा या बड़ा बड़ा नहीं बना रहे, क्योंकि ये थोड़ा फूलता भी है, फूलेगा तो और बड़ा हो जाएगा। हम इसको जिस ट्रे में रखेंगे या प्लेट में रखेंगे उसको भी हमने ग्रीसिंग कर ली है, ठीक है। और इसी तरीके से हम सबको बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और डालने से पहले हम इसको फिर थोड़ा थोड़ा शेप करके डालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने तेल गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गरम है ये। ये हमारे तेल में हम डालने से पहले हल्का हल्का हाथ से शेप कर ले रहे हैं, और हमारा तेल हल्का गरम है एकदम, हमको तेल ज़्यादा गरम नहीं रखना है, ठीक है। हल्के तेल में हम इसको पकाएंगे सीम आंच पे। ये देखिए किस तरीके से इसमें बबल्स उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से सब में उठेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि टाइम लैप्स जो वीडियो चल रहा था उसमें कैसे ही अपने आप ऊपर उठे, ठीक है। ये देखिए, ये भी इसमें बुलबुले उठ रहे हैं और ये अपने से उठेगा ऊपर और इस तरीके से होने लगेगा। ये देखिए उठने लगा है ये भी ऊपर, ये देखिए उठ गया, ये अपने आप उठेगा बुलबुले हो के, ये पकेगा। हम कोई स्पून वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही साइड से इसको थोड़ा सा हिला रहे हैं बर्तन को, ताकि हमारा थोड़ा अगर नीचे बैठ गया है तो वो उठ जाए, ठीक है। हमको इसको सीम आंच में ही पकाना है, इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए हमने कितना छोटा छोटा बनाया था, ये डबल साइज होते जा रहा है, ठीक है। फूलता बहुत है ये, देखिए सीम आंच पे ही फ्राई कर रहे हैं, तो भी देखिए कितने जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जा रहा है। आप तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, ठीक है, सीम आंच पे ही करिए इसको। हमारा जो लांचा है अंदर से वो कड़क होगा, कच्चा रह जाएगा, इसीलिए हमको इसको पकाना है पूरा सीम आंच पे धीरे धीरे, तो ये एकदम सही बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने चाशनी में दूध डाला था, तो ये देखिए ऊपर पूरी मैल आ गई थी, ठीक है, उसको हम ऐसे हटा लेंगे। ये शक्कर का मैल होता है बेसिकली, कुछ नहीं, शक्कर में होता ही है ये, ठीक है। साफ कर लेंगे हम इसको, आलू जैसा लग रहा है हमारे लांचा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें से हमारा चाशनी उठा के रख रहे हैं, ठीक है, करीब दो मग, डेढ़ से दो मग, ठीक है। यहाँ पे हमारी दो चाशनी बन गई है, ठीक है। अब हमारी ये गाढ़ी वाली चाशनी है, ये हम अलग कर दिए, लेकिन ये जो हम गैस पे है हमारी, उसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये पतली चाशनी होगी हमारी, तो ये पतली क्यों होगी, हमने दो कप इसमें और पानी डाला है, इससे क्या होगा, ये जो पतली चाशनी है इसमें हम हमारे लांचा फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो लांचा के अंदर है पूरी चाशनी पतली होने के कारण अच्छी तरीके से घुस जाएगी, और जब हमारा चाशनी उसमें घुस जाएगा उसके बाद हम हमारी गाढ़ी वाली चाशनी को हमारे लांचा में ऐड करेंगे, ताकि वो स्वाद भी मिल जाए। तो देखिए हमारा फ्राई हो गया ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम सही तरीके से कलर आए चारों तरफ, आपका पक जाए तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम कलर लाने के चक्कर में जला देते हैं, ठीक है। पक गया है हमारा, इस तरीके का होना चाहिए, हम इसको उठा ले रहे हैं। इसे जाली के ऊपर रख रहे हैं इसको, ताकि इसको थोड़ी एयर मिले। अब हम और डाल देंगे हमारी चाशनी,
हो ही रही है, ये पतली वाली है, ठीक है। हमने गैस ऑफ कर दिया है और हम दूसरा साइड डाल के उसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा चाशनी खोल गया है हमने, मतलब इसको बनने के बाद हमने इसको फिर से खोला है एक बार, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर, ठीक है, और नींबू हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, आधा नींबू निचोड़ के उसका रस। इससे क्या होगा, हमारा जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। नींबू हम इसीलिए डालते हैं, नींबू डालने से हमारा चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है और एकदम चाशनी जैसा रहता है, हमारे लांचा के अंदर, मिठाई के अंदर अच्छे से घुसता है, ठीक है। अब हम हमारे लांचा को इसमें डालेंगे, खोल ही रहा है हमारा चाशनी, उसी में डालेंगे। ये हमारा पतला वाला चाशनी है, ठीक है, गाढ़ा वाला हमने अलग करके रखा है। लास्ट लास्ट में कुछ हमने छोटे छोटे भी बना लिए, ठीक है। अब हमको इसको इसमें थोड़ी सी थोड़ा दा, अब हम इसको ढक के तेज आंच पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए 5 मिनट हो गया है और काफ़ी हद तक हमारे लांचा और फूल गए हैं, ठीक है, हमारी चाशनी में पक गए हैं। अब हम गैस लो कर दिए हैं, इसको हम सीम आँच पे 15 से 20 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। हमने गैस सीम आँच पे रखा है दूसरी बार, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए हमने इसको 20 मिनट के लिए रखा था, इसको एक एक बार बीच बीच में खोल के देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो गाढ़ा वाला चाशनी था जो हमने अलग करके रख दिया था उसको भी हमने खोला लिया है, ठीक है। और इसमें हम इसको अब ऐड करेंगे। देखिए हमारा जो पतला वाला चाशनी था, ठीक है, वो हमने डाला था तो हमारा पूरा जो लांचा है उसमें पूरा अंदर से खींच लिया है पूरा। अब हम ये जो गाढ़ा वाला डाल रहे हैं ये हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। मिक्स कर देंगे हम थोड़ा सा इसको, हमने गैस ऑफ कर दिया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, हमने गैस को ऑफ कर दिया था। तो देखिए इसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब पानी, आपको जितना पसंद हो आप उतना डालिए, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा गुलाब पानी ऐड किए हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपस में मिला लेंगे। आप बर्तन को ही थोड़ा सा हिला देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको 4 घंटे के लिए ढक के रखेंगे। 4 घंटे ढकने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसका जो फ्लेवर है पूरा चाशनी इसके अंदर घुस जाएगा। ये देखिए हमने इसको रख लिया था करीब 4 घंटे के लिए और बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए तैयार है हमारा लांचा और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है हमारा लांचा। और हमने आपको जैसे स्टेप्स सिखाए हैं इसका चाशनी बनाने में, चाशनी बना के चाशनी में पकाने का, फ्राई करने का, हर चीज़ का तरीका, पूरा तरीका अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। आपका चाशनी का टेस्ट एकदम सही रहेगा, आपका एकदम लांचा अंदर तक पकेगा, स्वाद अंदर तक एकदम अच्छे से रस घुसेगा, ठीक है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको आप घर पे ऐसे बनाइए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मुँह में डालते ही एकदम मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और आप घर पे देखिए हमने इसको 2 कप डाल के बना लिया तो कितना सारा बन गया है। घर पे ऐसे बनाने से बहुत बरकत होती है, ज़्यादा ही बनता है, मार्केट से हम खरीदने जाए काफ़ी कम होता है कंपेरेटिवली। घर में बनाना बहुत हाइजीनिक होता है, आज की डेट में तो कितनी बीमारियां फैल रही है, कितना कुछ हो रहा है, तो घर पे ही ऐसी मिठाइयाँ जो एकदम जल्दी बन जाती है,
खाना बनाने जैसे दाल बनाए ना हम, उतना टाइम लगा हमें ये बनाने में। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही सिंपल सी डिश है ये, और खाने में उतना ही मज़ा आता है इसे। आप ज़रूर ट्राई करिए इसे, हम आपको बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना सिखाएंगे घर पे कैसे बनाएं सिंपल तरीके से। और आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।